हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट एंड इट इज एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आप वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिस नंबर से अगर हम 1323 को मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम देख रहे हैं ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। इसके बाद हम 3 से चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 आपको याद दिला दूं, अगर सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9। ऑब्वियसली 9 3 से डिविजिबल है इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करते हैं इसे, 3 = 4 = 12। रिमेनिंग 1 जब हमने 2 के पास लगाया तो हमारा ये भी 12 हो गया। अगेन 3 = 4 = 12, 3 × 1 = 3। अगर आपको प्रॉब्लम है डिवाइड डायरेक्ट नहीं लिख पाते तो आप डिवाइड करके भी 4 = 4 = 1 लिख सकते हैं। आप जब 1323 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 = 4 = 1 मिलेगा क्वेश्चन में। अगेन 3 × 3 = 3, 1 रिमेनिंग 14 हुआ, 3 = 4 = 12, 2 रिमेनिंग 21 हो गया यहाँ पे, 3 × 7 = 21। अगेन 3 × 4 = 12, 2 रिमेन, 2 को जब 7 के साथ अप्लाई किया 27 हुआ, 3 × 9 = 27। नाउ 7 × 7 = 49 एंड 7 × 1 = 7। इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं आता है अच्छे से तो आप मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें 1323 के फैक्टर्स मिल रहे हैं, 3 × 3 × 3 × 7 × 7। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 हमारा कंप्लीट पेयर है, 3 का एक पेयर हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 7 × 7 हमारे पास 7 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमें एक 7 की और ज़रूरत है। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या होगा? 7। द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 7। अगर हम क्वेश्चन में जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसमें एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। परफेक्ट क्यूब मतलब उसमें 3-3 के पेयर्स होंगे, कोई भी नंबर सिंगल नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा इट इज़ 7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 अपनी CW कॉपी में सॉल्व कर लीजिए जिस तरह मैंने किया है, उसके बाद HW में आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको एक बार बता देती हूँ। द क्वेश्चन नंबर 8 इज़ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जिसे आपको होमवर्क कॉपी में करना है। पहले आप क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। क्लास वर्क होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वीडियो जो है उसका फ़ोटो, आपके जो कॉपी है उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए और मुझे ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।